हेलो गाइस, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी तो आज दिखा रही हूँ। मैं साबूदाना बनाई थी, मानसी कल व्रत की थी तो शिवरात्रि की थी तो साबूदाना को पानी में अच्छे से भिगो कर इसको फूलने के लिए रख दी। दूध बॉईल अच्छा सा हो गया तो साबूदाना पहले से बॉईल करके बनाने से बहुत अच्छा बनता है। तो मेरा साबूदाना का खीर बन गया, चीनी डाली। अब मैं मिक्सचर बनाऊँगी, सारा ड्राई फ्रूट का बनाऊँगी, बादाम, मूँगफली, काजू, मखाना, जितना मेरे पास ड्राई फ्रूट है, चना भी, भुना हुआ चना भी डालूंगी। थोड़ा सा पहले घी डाली और पहले बादाम को भून ली, फिर काजू भूनूंगी। किशमिश को ऊपर से डालना है, किशमिश भूनने से तो नहीं हो पाता है तो किशमिश ऊपर से ही डालना है। उसके बाद मूंगफली भी भून ली, जितना ड्राई फ्रूट है सारा भून ली मैं। मखाना भी भून ली, पहले मखाना ही भून लेती हूँ, नहीं मखाना बाद में भूनूंगी, चना और मखाना एक साथ भून ली मैं। सारा ड्राई फ्रूट भून ली, अब मैं सबको एक साथ भूनूंगी। दोनों को निकाल ली, कड़ी पत्ता डाली घी में, इसे भी हल्का गर्म कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा चूड़ा भी डालूंगी, कतरनी चूड़ा है, इसे हम लोग अपने साइड में अड़वा बोलते हैं। कतरनी चूड़ा डालूंगी मिक्सचर में, तो डाल दी। इसका बहुत अच्छा खुशबू होता है, जैसे चावल होता है पतला वाला चावल खुशबू फैलता है, इसका भी भूनने में बहुत खुशबू सा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है खाने में। तो सारा ड्राई फ्रूट इतना भून कर रखी थी, मिक्स कर दी मैं सबको। किशमिश भी डालूंगी और नारियल का गोला भी काट कर, पतला पतला काट कर इसमें डालना है। तो सब कुछ डाल दी मैं, अब इसमें मैं मसाला डालूंगी सारा। तो मिर्च पाउडर है, नमक, काला नमक, सादा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च भी है और जीरा पाउडर भी है, थोड़ा सा आमचूरन भी है, थोड़ा सा चीनी भी। सबको मिक्स कर दी अच्छे से, पूरा खट्टा मीठा सब कुछ मिक्स होना चाहिए इसमें ड्राई फ्रूट मिक्सचर में। तो सब कुछ मिक्स कर दी, मेरा तैयार हो गया। अब मैं इसे जार में रख दूंगी, ये आएंगे तो ऑफिस से खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे कभी, मतलब जब मन हुआ चाय के साथ। अब मैं नारियल का लड्डू बना रही हूँ, तो दूध को जलाकर अच्छे से खोआ सा बना ली, थोड़ा सा घी डाली, नारियल का बुरादा से बना रही हूँ। इसे भून लेती हूँ अच्छे से, बुरादा को ज़्यादा लाल नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा भून कर इसका कलर चेंज करना है। तो मैं अच्छे से भून ली मैं, कलर चेंज हो गया इसका। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, स्वाद अनुसार चीनी डाली मैं, चीनी के साथ भी थोड़ा सा भून लेती हूँ, थोड़ा सा चीनी खसखस सा नहीं दिखेगा। और जो दूध जला कर रखी थी डाल दी मैं, सारा डाल दी। इसमें थोड़ा सा सूखा दूध भी डालना था, दूध का पाउडर, मगर मैं नहीं डाली, इसमें हो जाएगा आधा किलो दूध का मैं खोआ बनाई थी। तो अच्छे से मैं हाथों से मिक्स कर ली, अब एक एक करकर लड्डू बना लेती हूँ सारा। थोड़ा सा सूखा भी रखूँगी, इसको सूखा खाना है। तो लड्डू तैयार हो गया, अब इसमें थोड़ा सा कलर डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा चम्मच कलर, थोड़ा पानी डालकर बनाई, कलर डाल देने से थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा।